तो दोस्तों वही हुआ जो हमने कहा था, भारत से पंगा लेने के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही मालदीव हो गया है खत्म। आज उसके दिवालिया होने की नौबत आ चुकी है। मोइजू भी कटोरा लेकर घर घर भीख मांगने की तैयारी कर रहे हैं। वो कब तक मालदीव के राष्ट्रपति रहेंगे ये कोई नहीं जानता। उन्हें भी अपने देश में भर भर के गालियां पड़ रही है। कंगाली की हालत इस देश की ये है कि उसे श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ रही है। और तो और सूत्र ये बता रहे हैं कि अकेले में मोइजू अक्सर ये कह कहकर रोते हैं। क्या कह कहकर? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। पिछले साल तक मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में नंबर 1 पर रहने वाला भारत अब इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया है। कुल मिलाकर भारत से पंगा लेकर मालदीव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि धार धार कुल्हाड़ी पर खुद बैठ गया है। जिस चीन को वो अपना दोस्त समझ रहा था, उसी चीन से लिया अरबों डॉलर का कर्ज उसे तबाह कर रहा है। तो कैसे लक्षद्वीप पर भारत को गाली देने के बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मालदीव बर्बादी के कगार पर आ गया? कैसे उसका दोस्त चीन आस्तीन का सबसे बड़ा स्नेक निकला? और कैसे भारत ने सिर्फ 2 महीने के अंदर मालदीव की स्ट्रैटेजिक काट निकाल ली? ऐसी काट जिसके बाद भारत के सैनिकों के मालदीव से लौटने के बाद भी मालदीव भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आइए आज के फनतंत्र में, आज के इस वीडियो में हम इसी मैटर पे बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और पसंद आए तो दबा के शेयर करना। तो केजरीवाल सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों शौक बहराइची का मशहूर शेर है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया आउट के स्लोगन के साथ मोहम्मद मोइजू जब मालदीव के राष्ट्रपति बने तो लगा कि मालदीव को बर्बाद करने के लिए वो इकलौते ही काफी हैं। मगर जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और उसके बाद मालदीव के बाद एक कई मंत्रियों ने भारत के खिलाफ बयान देना शुरू किया तो समझ में आ गया कि मालदीव में अकेला मोइजू ही नहीं है, वहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। और फिर मालदीव के गुलिस्तां का भी वही हुआ जो हर शाख पर उल्लू बैठने के बाद होता है, काम खत्म। पहले भारत के खिलाफ जहर उगलकर मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वहां से निकालने की बात की। इसके बदले में मोदी जी लक्षद्वीप के आ गए, पूरी मालदीव सरकार ही बौरा गई। एक के बाद एक मालदीव के 3 मंत्रियों ने मोदी जी को गाली दी, उस देश के पीएम को गाली दी जिस देश के टूरिस्टों के आने से तुम्हारा पेट भरता था, उस देश को गाली दी जो तुम्हें दवा से लेकर खाना सब प्रोवाइड कराता था, उस देश को गाली दी जो न होता तो मालदीव कप का क्या हो गया होता राहुल जी, खत्म। जी हाँ, इसलिए जैसे ही मोइजू के चंपू मंत्रियों ने मोदी जी के खिलाफ बकवास की तो पूरा भारत एकजुट हो गया। अक्षय कुमार से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप टूरिज्म को सपोर्ट किया। ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते कई ट्रैवल कंपनियों ने मालदीव के लिए बुकिंग कैंसिल कर दी। और इस सब का हश्र ये हुआ कि जिस भारत से हर साल मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे वो इस लिस्ट में पहले से 5वें नंबर पर आ गया। जिस भारत से 2023 में 2 लाख टूरिस्ट मालदीव गए थे, उसी भारत से 13 फरवरी तक सिर्फ 20,000 टूरिस्ट ही मालदीव गए, एक रिपोर्ट के मुताबिक, समझे। इसी मुद्दे पर हमने एक ठो वीडियो बनाई थी, कड़क वायरल हुई। वापस से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, ठीक है। वेल, मालदीव आने वाले विदेशी टूरिस्ट में चीन अब पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रशिया। इस साल 28,000 टूरिस्ट मालदीव आए वहां से, इटली से 27,000, ब्रिटेन से 26,000 और भारत से सिर्फ 20,000। जबकि यही भारत पिछले कई सालों से मालदीव आने वाले विदेशी टूरिस्ट के मामले में नंबर 1 पर रहता था। इसके अलावा भारत सरकार ने मालदीव के साथ ऐसा क्या क्या किया जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। कैसे मालदीव का सबसे तगड़ा फ्रेंड चाइना ही उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपको आसानी से ट्रेडिंग करने की सुविधा देता है, नाम है पॉकेट ब्रोकर। यहां पर आपको 30,000 से ज्यादा इंडिकेटर्स और 9 रेडी टू गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिलती है। इसके साथ ही आप यहां पर किसी भी विड्रॉल फी के बिना अपने अर्निंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं। पॉकेट ब्रोकर पे आपको डेली टूर्नामेंट्स फ्री पार्टिसिपेशन के साथ मिलते हैं जिसमें आप प्राइजेस जीत सकते हैं। और हाँ, यहां पर आपको एक यूनिक फीचर भी मिलता है, सोशल ट्रेडिंग का। आप दुनिया भर के ट्रेडर्स के ट्रेड्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं। ये देखो, मैंने एक ट्रेड लिया, क्या ये ऊपर जाएगा? और ये देखो, सक्सेसफुली हो भी गया और मेरा अमाउंट भी मेरे अकाउंट में आ गया है जिससे मैं अब विड्रॉ भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, पॉकेट ब्रोकर एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आप मेरा कूपन कोड यूज करना और आपको पहले डिपॉजिट पर 60% का बोनस भी मिलता है।
तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करो और रजिस्टर करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कैसे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की भारत के खिलाफ नफरत ने सिर्फ 2 महीने के अंदर उनके देश को बर्बाद कर दिया। मोइजू ने जब भारत से पंगा लिया तो उन्हें उम्मीद थी कि चीन से पैसा लेकर वो अपना बेड़ा पार लगा लेंगे, मगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने मालदीव को आगाह कर दिया है कि चीन से लिया गया कर्जा ही उसे बर्बाद कर डालेगा। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि भारत से पंगा लेने के बाद भारत सरकार ने ऐसा क्या किया कि मालदीव के हाथ पैर फूल गए, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि किस तरह चाइना छोटे छोटे देशों को कर्जा देकर उन्हें बर्बाद कर रहा है। ये ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में बहुत सारे चाइनीज ऐप जरूरतमंद लोगों को महंगे रेट पर पर्सनल लोन देकर उसको बर्बाद कर रही है। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव ने अभी द चाइना डेवलपमेंट बैंक, द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से बहुत भारी कर्जा ले रखा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो 2026 तक $5 बिलियन की मालदीव की इकोनॉमी में से उसे $1 बिलियन तो हर साल विदेशी कर्ज के तौर पर चुकाने होंगे। अब आपको बताते हैं कि चाइना ने मालदीव को फंसाया कैसे। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जिन लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं होती या वो अगर कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो उन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता, ठीक यही मामला छोटे मोटे देशों का भी है। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बहुत कम रेट पर लोन तो देती हैं, मगर उनकी लोन देने की जो शर्तें होती हैं वो इतनी मुश्किल होती हैं कि बहुत सारे छोटे मोटे देश उससे लोन ले ही नहीं पाते। यहीं पर एंट्री होती है चाइना जैसे साहूकार देशों की। वो अपनी शर्तों पर इन देशों को महंगे रेट पर लोन दे देता है, इन देशों को भी और कहीं से लोन मिलता तो है नहीं, तो ये चीन की कैसे भी शर्तें मान लेते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक चीन ने ऐसे छोटे देशों को $170 बिलियन का कर्ज दिया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है। मिडिल और लोअर इनकम वाले देशों को कर्ज देने के मामले में चीन पिछले 10 साल में 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा है। एक डेटा के मुताबिक 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन पर चाइना का इतना कर्ज है जो उनकी कुल GDP के 10% के बराबर है। जिबूती, किर्गिस्तान, जाम्बिया और लाओस पर चीन का कर्ज उनकी टोटल GDP के 20% से भी ज्यादा है। चीन इन कंट्रीज को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प करता है। ये देश भी कहीं और से पैसा न मिलता देख चाइना से ये लोन ले भी लेते हैं, लेकिन पैसे वापस देने की जब बारी आती है तो इन कंट्रीज को पता चलता है कि इनमें से बहुत सारे हिडन चार्जेस भी थे, और ये देश जब इस कर्ज को वापस नहीं कर पाते तो फिर चीन से अपनी शर्तें मनवाने लगता है। ऐसे देशों से चाइना यह कहता है कि तुम ताइवान को मान्यता मत दो, या फिर जिस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा होता है वो उस प्रॉपर्टी को ही लीज पर ले लेता है। जैसे चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के साथ किया। श्रीलंका ने चाइना की हेल्प से इस पोर्ट को तैयार किया, लेकिन जब वो चीन का कर्जा नहीं दे पाया तो बदले में चीन ने उसी पोर्ट को श्रीलंका से 99 ईयर्स यानी 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। मालदीव अभी हर साल $400 मिलियन कर्ज के पैसे चीन को चुकाता है, मगर 2026 तक ये रकम $1 बिलियन हो सकती है। IMF जैसी संस्थाएं पहले ही मालदीव को बोल चुकी हैं कि बेटा चीन से बचकर रहो, ये तुम्हें बेचकर खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। और आज हालत यह है कि मालदीव कभी भी दिवालिया हो सकता है। उसके देश में चल रहे सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हुए हैं और मोइजू इस रायते का ठीकरा पिछली गवर्नमेंट पर फोड़ रहे हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बेटा जब पिछवाड़े में दम न हो तो चौराहे पर जाकर सांड से सिर नहीं भिड़ाना चाहिए। मगर मालदीव ने वही किया। जनवरी में जब से मोइजू के पिल्लों ने मोदी को भला बुरा कहा था, तब से भारत सरकार ने मालदीव के पेंच कसने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले तो भारत ने मालदीव को मिलने वाली मदद कम कर दी। भारत सरकार ने 2023 के बजट में मालदीव को पहले 400 करोड़ और फिर 300 करोड़ यानी टोटल 700 करोड़ रुपए दिए थे, मगर इस बार के बजट में भारत ने इस मदद को घटाकर सीधे 600 करोड़ कर दिया। मतलब ये क्लियर था बेटा कि हमें आग दिखाओगे तो फिर मदद भूल जाओ। दूसरा गेम भारत सरकार ने मालदीव के साथ और खेल दिया। मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार कह रहे थे कि मालदीव में मौजूद भारतीय सेना के जवान वहां से चले जाएं। बाद में शर्त रखी कि ठीक है हमारे सैनिक चले जाएंगे, मगर इसके बदले हम अपने टेक्निकल स्टाफ को वहां रखेंगे। मालदीव भारत की शर्त को मान गया। साथ ही भारत ने मालदीव को कहा कि हम 10 मार्च नहीं बल्कि मिड मई तक अपने स्टाफ को चेंज करेंगे, जिसके लिए मालदीव मान गया। इस बीच भारत ने लक्षद्वीप के नजदीक मिनिकाय पर INS जटायु पर नेवल बेस बनाना शुरू कर दिया। इस बेस से मालदीव का डिस्टेंस सिर्फ 524 किलोमीटर है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप और मिनिकाय आइलैंड 9 डिग्री चैनल पर है, जहां से हर साल लाखों करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस होता है। ये नॉर्थ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच का रास्ता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने मिनिकाय पर एयर स्ट्रिप बनाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा आगाती आइलैंड की एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भारतीय सेनाएं हिंद और अरब महासागर पे पूरा कंट्रोल रख सके। जैसे ही मिनिकाय में नेवल बेस बनेगा उस एरिया के आसपास चीन की नेवी की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा अगर किसी कमर्शियल जहाज को सुंदर और लोमक की खाड़ी की तरफ जाना है तो उसे 10 डिग्री चैनल यानी अंडमान निकोबार आइलैंड के
पास से गुजरना होगा। ऐसे में दोनों जगहों पर सिक्योरिटी टाइट होने से भारत को किसी भी तरह के समुद्री खतरे से बचाया जा सकेगा। मतलब भारत ने मालदीव से अपने सैनिक हटाने के लिए 2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम लिया था, उसी टाइम के दौरान भारत ने मालदीव की काट खोजते हुए अपनी समुद्री सीमा के पास ही एक नेवल बेस बना लिया। तो कुल मिलाकर मोइजू और उसके मंत्रियों के भारत से पंगा लेने पर भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर मालदीव ने 2 महीने में अपना सत्यानाश जरूर करवा लिया। इसके साथ ही उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए इंडियन टूरिस्ट गए, इंडिया से मिलने वाली फूड और मेडिकल फैसिलिटीज गई, इंडिया के तौर पर एक भरोसेमंद दोस्त भी गया, और जिस चीन के भरोसे उसने ये सारा पंगा लिया, वही चीन आज उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। मालदीव और भारत का कॉन्फ्लिक्ट हो या पाकिस्तान और भारत का, दोनों ही मामलों में एक चीज प्रूव होती है दोस्तों, कि वहां बैठे कट्टरपंथी इस्लामी सरकारें सिर्फ भारत से दुश्मनी निकालने के लिए अपने अपने देश को ही बर्बाद करने पर तुली हैं। पाकिस्तान और मालदीव दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं, दोनों ही देशों के साथ भारत की कल्चरल हिस्ट्री भी जुड़ी है, और दोनों ही देश भारत के नेचुरल पार्टनर भी हैं, मगर इन दोनों देशों में बैठी कट्टरपंथी जिहादी सरकारें मोदी से दुश्मनी निकालने के लिए उस चीन की गोद में बैठने को तैयार हैं जिससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये लोग मोदी को मुसलमानों का दुश्मन मानकर भारत से रिलेशन नहीं रखते और भारत के बदले उस चीन की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं जो अपने यहां उइगर मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म कर रहा है, उनकी मस्जिदें गिरवा रहा है, उन्हें नमाज पढ़ने से रोक रहा है। मगर नहीं, इन्हें चीन अपना दोस्त लगता है, वो चीन इन्हें अपने यार लगता है जो कभी किसी का सगा नहीं है, वो चीन जो एक साहूकार की तरह हर किसी को लूटना चाहता है, वो चाइना जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का झांसा देकर लाओस से पाकिस्तान जैसे कई देशों को बर्बाद कर चुका है, वैसी ही बर्बादी अब मालदीव में कर रहा है, मगर इन देशों में बैठी कट्टर सरकारों को नफरत के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। मगर भारत सरकार ने बड़ी चालाकी से कोई तमाशा क्रिएट किए बिना सिर्फ 2 महीने के अंदर ही मालदीव को उसकी औकात बता दी। यही वजह है कि आज न उसके पास भारत जैसा एक भरोसेमंद दोस्त बचा है और न ही भारत से हर साल आने वाले लाखों टूरिस्ट, और ये सारा काम उसने बिना किसी हो हल्ले के बड़े शांति के साथ किया है और किसी को पता भी नहीं चला। तो बॉस ये था मालदीव मुद्दे पर हमारा डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इस मामले पर आपकी क्या राय है, और हां जाते जाते डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहां पर लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा पॉकेट ब्रोकर इस ऐप को और स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग अभी के अभी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।